साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे अश्वगंधा कैप्सूल। साथियों अश्वगंधा कैप्सूल हिमालय कंपनी का ये प्रोडक्ट है। साथियों अश्वगंधा लगभग 4000 वर्षों पुरानों से जो है इसका आयुर्वेद में प्रचलन है। साथियों ये एक अश्वगंधा जो है एक प्लांट है, प्लांट का जो है ये जो रूट है, रूट को जो है क्या होता है कि उसको ड्राई करके और उसको जो है मतलब पीस के उसका पाउडर बनाने का, उससे कैप्सूल ये बना हुआ है। साथियों बहुत पुरानी जो है चरक संहिता से लेके आयुर्वेदिक जो बहुत 4000 साल पुराने के उसमें वेद तक की इसका जो है मतलब प्रचलन है। साथियों ये 100% सेफ है। ये साथियों एक सर्व है। सर्व साथियों ये होता है कि स्टेम होता है, प्लांट की तरह है ये, और इसमें क्या होता है जड़ होती है और जो है पत्तियाँ, और ये जो है क्रूड ड्रग है, मतलब कच्ची औषधि है। साथियों ये जो है बहुत ही अच्छा जो है क्या कहते हैं कि कैप्सूल है। साथियों आयुर्वेदिक यूनानी और सभी उसमें जो है इसका जो एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। साथ ही साथ इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है साथियों विधानिया सोमनीफेरा, और जो इसकी फैमिली है सोलेनेसी है। साथियों इसको बहुत से नाम में जो है जानते हैं, जैसे कन्नड़ भाषा में अलग, तेलुगु में, तमिल में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो जैसे हिंदी में इसको जो है अश्वगंधा कहते हैं, और साथियों आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। साथियों जैसे इसके जो है बहुत से नाम है, अश्वगंधा है, आयुर्वेदिक जिनसिंग भी कहते हैं, और इसको जो है विंटर चेरी कहते हैं। विंटर चेरी कहते हैं इसलिए कि सर्दियों में जो है इसको उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ इंडियन जिनसिंग भी कहते हैं, एंड शॉर्ट वुडी सर्व भी इसको कहते हैं। साथियों इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अश्वगंधा कैप्सूल है क्या, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे, इंट्रैक्शन की बात करेंगे, डोज की बात करेंगे, एमआरपी की बात करेंगे। तो साथियों जो अश्वगंधा कैप्सूल है एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट है जो अश्वगंधा के नाम से होता है, उसकी जड़ का जो है ड्राई पाउडर बना के कैप्सूल फार्म में कंपनी ने बनाया है। हिमालयन कंपनी है। हिमालयन एक बहुत बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी है जो आयुर्वेद के बहुत तरह के प्रोडक्शन करती है। लगभग 48 देशों तक इसकी दवाई बिकती है। तो साथियों 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है विधानिया सोमनीफेरा है, एंड इट ग्रोस इन इंडिया। और ये जो इसका कल्टीवेशन कलेक्शन होता है ये इंडिया में होता है, मिडिल ईस्ट में होता है, एंड अफ्रीका में होता है साथियों। और ये क्या है, रूट एंड बेरी आर यूज टू मेक द मेडिसिन, और इसकी जो लीफ है और जो जड़ है उससे जो है मेडिसिन बनाई जाती हैं। साथियों अश्वगंधा कॉमनली यूज फॉर स्ट्रेस। ये क्या होता है, दबाव, तनाव, टेंशन, हेजिटेशन, थकान जिनको हो जाती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है, बूस्ट इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता में भी बढ़ाया जाता है, प्रतिरोधक क्षमता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथियों अश्वगंधा और क्या करता है, बिल्ड द स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी बाय इम्प्रूविंग द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है और बॉडी बनाने में है मददगार है। साथ ही साथ क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो कहने का मतलब है कि फाइट इन्फेक्शंस एंड डिजीज। साथियों अश्वगंधा जो है सेक्स की बीमारियों में बहुत ही कारगर है। साथ ही साथ क्या होता है, स्पर्म के काउंट को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, स्टेमिना बढ़ाता है, और जो है सेक्स करने का मतलब एक प्लेजर, आनंद आता है अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो पार्टनर के साथ, और उसका जो है सेक्स का टाइम बढ़ जाता है। तो साथियों तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई। साथियों हिमालय कंपनी का प्रोडक्ट है। साथियों जो इसकी एमआरपी है साथियों ये जो है साथियों 150 रुपीज़ है फॉर 60 कैप्सूल। साथियों इस तरह की डब्बी आती है। साथियों ये सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। साथियों जो है आयुर्वेदिक एलोपैथी मेडिकल स्टोर पे। साथियों ये ऑनलाइन भी मिलती है, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज में साथियों ये है कभी कभी ऑफ़र चलता है, एक के साथ एक फ्री, या इस तरह से जैसे 150 रुपीज़ अगर एमआरपी है तो साथियों ये क्या होता है कि ये 100 रुपये तक का मिल जाएगा, तो ऑफ़र में भी ये जो है मिलता है। साथियों इसमें किसी डॉक्टर, वैसे अदरवाइज डॉक्टर की देख रेख में इसको खाना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे भी परचेज करके खा सकते हैं। साथियों ये किसी तरह का इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है, ट्रूली सेफ होता है। साथियों 150 रुपये एमआरपी है इसकी। साथियों इसके यूजेस की बात करेंगे तो साथियों ये जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही मददगार है, स्ट्रेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर आर्थराइटिस, एंजाइटी,
साथियों बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, एंड अटेंशन डिफिसिट में इस्तेमाल किया जाता है, एंड बैलेंस ट्रबल स्लीप जिसको हो जाता है, जिसे इंसोमिनिया होता है, कहने का मतलब है नींद ना आना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ट्रिमर में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको ट्यूबर कुलोसिस हो जाता है वो अश्वगंधा कैप्सूल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, बैकेज अगर बैक में दर्द है, और महिलाओं में जो मेनस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक धर्म जो है क्या कहते हैं कि अलग अलग टाइम आता है, प्रॉपर नहीं आता है, तो उसमें इसको इस्तेमाल से आता है, और लीवर की डिजीज जिनको हो जाती है उसमें भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। साथियों इसको कैंसर में भी इस्तेमाल करते हैं, सीजोफ्रेनिया हो जाता है। साथियों ये सबसे अच्छा इसका रिस्पांस है ओल्ड एज में, जेरियाटिक रिकवरी एंड एजिंग में, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फर्टिलिटी, कहने का मतलब यह है कि जो पुरुष का बांझपन हो जाता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर, और ये क्या करता है सेक्स करने की इच्छा को भी बढ़ाता है। जिन रोगियों को पैरालिसिस हो जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है शरीर में कहीं पे भी, सूजन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसको मेंटेन करने के लिए खाया जाता है, थकान हो जाती है, फैटिग्यू हो जाती है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है उनको भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, साथ ही साथ जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के जो है मरीजों को दिया जाता है, पार्किंसन डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है, और ये यौवन को बहुत अच्छा रखता है, मतलब जवानी हमेशा रखता है अगर इसको खाएंगे, और शुक्राणु को बढ़ाता है, और नर्वस सिस्टम को जो है ये ठीक रखता है, और सर में जिनके दर्द होता है उनके सर के दर्द को भी ठीक करता है, और नाइट फॉल जिनको हो जाता है प्रॉब्लम होती है वो नहीं होने देता है। साथियों इसके बहुत ही यूजेस हैं, बताना मुश्किल है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। साथियों इसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो अश्वगंधा एज पॉसिबली सेफ होता है, ये क्या होता है वैसे तो सेफ होता है लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से हल्के फुल्के लक्षण है, जैसे पेट गड़बड़ हो जाता है, डायरिया हो जाती है, और कभी कभी वोमिटिंग होने के चांस हो जाते हैं, तो ये साइड इफेक्ट है। साथियों प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे तो प्रेग्नेंट महिलाओं को ये कैप्सूल नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं देना है साथियों, और जिनके पेट के अंदर अल्सर होते हैं उनको ये नहीं खाना है, ये साइड इफेक्ट है। इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो जो रोगी एंटी डायबिटिक दवाइयाँ खाते हैं उनको डॉक्टर की सलाह से इसको लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, जैसे कि ग्लिमिप्राइड है, ग्लाइबन क्लामाइड है, मेटफार्मिन है, पायोग्लिटाजोन है, एंड ग्लाइक्लाजाइड है, उन दवाइयों के साथ नहीं खाते हैं। साथ ही साथ जो हाइपरटेंशन है, क्योंकि हाइपरटेंशन की अगर दवाई खा रहे हैं और इसको भी खा रहे हैं तो क्या करेगा, क्या एक तो लोसार्टन मान लो बीपी की खाई और उससे लो होगा, साथ ही साथ ये क्या करेगी और लो कर देगी। इनलाप्रिल है, डेल्टा जीम है, उनके साथ इसका जो है वो क्या कहते हैं कि इंट्रेक्शन होने के चांस है। साथ ही साथ लैसिक्स अगर पेशाब बढ़ाने की दवा खाते हैं या कार्टिकोस्टेरॉइड कोई खाते हैं तो उसके साथ इस दवाई का सेवन ना करें। साथियों सबसे इम्पॉर्टेंट इसके डोज की हम बात करेंगे तो एडल्ट में इसका डोज जो है वो क्या कहते हैं कि एक गोली एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम गुनगुने दूध के साथ या फ्रेश वाटर के साथ, अदरवाइज वन से डे भी लेंगे तो बहुत अच्छा है। साथियों जो इसकी MRP 150 रुपये है साथियों, ये बहुत ही अच्छा जर्नल वीकनेस के लिए भी ये कैप्सूल है साथियों, बहुत अच्छा ये कैप्सूल है साथियों, सभी जगह इजीली से अवेलेबल हो जाएगा साथियों। किसी तरह की क्वेरी आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।